सभी को नमस्कार। और बंटी पाटिल जी, विश्वजीत कदम जी और सत्यजीत तांबे जी, तमाम नेता लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित है। इसमें मैं मोबाइल पे जो बात कर रहा हूँ, सारा नाम नहीं दिख रहा है मेरे को, उसको कोई अन्यथा ना ले। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आज इस श्रद्धांजलि सभा आप लोग ने जूम मीटिंग के तौर पे इस कोविड के महामारी के वजह से आप लोग ने आयोजित किया है। आज भी देश में कोई ऐसा एक व्यक्ति भी जो भी अमर लोग के बीच में आज राजीव सताव जी नहीं है, कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे सब लोग ने आज भी कंफ्यूजन में, ऐसे हुआ क्या करके, कोई नहीं बिलीव नहीं कर रहा। मैं जब भी दिल्ली आया 13 में, ऑल इंडिया सेक्रेटरी होने के पहले मैंने उनके साथ दो तीन एक्सपीरियंस आप लोग के बीच में शेयर करना चाह रहा हूँ। जब NOB पूल था, उसमें इधर बहुत सारा साथी, सत्संग मुंडे थे, जितेंद्र दियाड़े थे और उत्कर्षा और तमाम लोग थे। उस समय में मेरे को महाराष्ट्र, पहले ही मैं कर्नाटक से आया, NOB पुल पे मेरे को कर्नाटक महाराष्ट्र इंचार्ज दिया, वो भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, जो उस समय में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम चल रहा था उसके बारे में, DBT के प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस और उस प्रोग्राम को गांव तक इंप्लीमेंट करने के लिए। तो उस कार्यक्रम उसको मेरे को महाराष्ट्र इंचार्ज बना दिया। उस समय में मैं महाराष्ट्र में गए, सतावजी बोलने के बाद में विश्वजीत कदम जी अध्यक्ष थे और हिम्मत जी इंचार्ज था। वो लोग ने मेरे को वहाँ तीन, बुल्ढाणा, पुणे, अमरावती, तीनों डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए असाइनमेंट दिया था। मैं उस समय में कुछ काम करने के बाद में ऑल इंडिया सेक्रेटरी बने। तब सेक्रेटरी बनने के बाद में मेरे को UP इंचार्ज दिया था। उसी समय में उत्तराखंड में बहुत बड़ा आपदा आया था। मैं लक्की भी बोल सकता हूँ, उस दिन मैं दिल्ली में था। उस दिन राजू सतव जी वहाँ कम से कम 1 महीने वहाँ जो बाढ़ में काम करने के लिए जा रहे थे, उस दिन मैं दिल्ली हेडक्वार्टर IC5 में हेड ऑफिस में था। मेरे को प्यार से, मेरा घर में जो मेरी माँ भी बुलाता है श्री, ये हमेशा सताव जी ने श्री के बोलो, श्री तुम फ्री हो उत्तराखंड आ सकते हैं? सर मैं ऑलरेडी पैक वगैरह, बैग वगैरह पैक करके रखा था। हाँ सर मैं तैयार हूँ आपके साथ आने के। मैंने 1 महीने उनके साथ काम, उन इस किस तरीके के वो हैंडल कर रहा था। वो बहुत बड़ी लेवल पे आपदा आए थे। आज भी वो काम हम लोग के लिए इंस्पायर है। आज हम लोग ने पूरा, युवा कांग्रेस ने लास्ट 1 साल से लगातार कर रहा है, उससे पहले भी किया। वो मैंने बहुत सारा काम उनके साथ सीखा, दिन भर रात उनके साथ रहते थे, हर चीज कोऑर्डिनेट करने का, मैं उनके साथ फोन पे लगा के बात करना, फिर 12 बजे 1 बजे तक जब तक पूरा काम नहीं होता था, सारा ग्रुपों से खुद सताव जी ने कोऑर्डिनेट कर रहा था क्या क्या हुआ, उसके बाद में ही वो सोता था। फिर सुबह 6:30 बजे 7 बजे उठ के नेक्स्ट डे का जो भी लोगों को किस तरीके के क्या क्या सामान कमी है, कहाँ से कौन सा स्टेट से मंगाना, जो ट्रक का के रुक गया था उससे कोऑर्डिनेट, मीन्स उनका जो काम पे जो फोकस था। और हमारा जैसे, मेरे जैसे बहुत सारा नया जो हम लोग ने गांव से आए, हमारा जैसे लोगों को किस तरीके के उन लोग ने, सताव जी ने स्पेस दिया, बहुत सारे लोगों को लीडर बना दिया, और किस तरीके के इस आइडियोलॉजी के साथ मिलके काम करना, वो हम बहुत लोगों को सिखाया और हमेशा गाइड करते थे किस तरीके के काम करना। हर बार पूछते थे, यूपी में आपको दिक्कत हो रहा होगा शायद लैंग्वेज का, यूपी का किस तरीके के काम करना, मीन्स हमेशा सारे नेशनल ऑफिस बेरर के बारे में सोचते थे। बाद में मैं
थोड़े दिन के बाद मेरे को एक ब्लैकबेरी मोबाइल भी दिया था, जो भी नेशनल ऑफिस बेरर नया आता है वो, उनको ब्लैकबेरी मोबाइल भी दिया था मैं, आज भी याद है वो मोबाइल, आज भी घर पे रखा हूँ। बाद में वो दे गया था तो कहीं इसको सेफली मैं रखा हूँ, जब भी उस घर पे जाएगा और गांव पे देखता था मैंने। और मैं एक बार 2014 में एक धरना प्रदर्शन किया था दिल्ली पे, उस पे मेरे को नाक को चोट लग के ऑपरेशन हुआ था। उस समय मैं ऑपरेशन के बाद सीधा उनके घर पे ही रखा था मेरे को, वो कम से कम 10 दिन मैं उनके घर पे रहा। तो मैं पहले वहाँ कर्नाटक भवन में रहता था, जो इस इंसिडेंट हुआ ऑपरेशन, खुद ही जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ खुद वो करोल बाग हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े रहे, और ऑपरेशन के बाद घर पे एक मनीष करके उनके कुक था, उसको दत्ता जी को, रजीत जी दोनों थे उस समय में, उन दोनों को भी मेरे साथ लगा दिया, इनको थोड़ा ख्याल रख लो कुछ भी है तू बता देना। और रोज वो समय में वो महाराष्ट्र चले गए थे, फिर भी एवरी डे 3 बार पूछ रहा था मैं। इस तरीके से वो ऑफिस बेरर को एक परिवार के जैसे वो हमेशा सोच रहे थे। और उसके बाद में झेलम में वो तो भूल नहीं सकते हम, सताव जी हम सब बोट में गए थे झेलम में लोगों को मदद करना, पूरा वहाँ फ्लड आया था बड़ी लेवल पे, बीच में हमारा ये रुक गया था, बोट बंद हो गया था, उसमें सताव जी हम शाहनवाज और दो तीन लोग थे, उसमें बोट बीच में रुक गया था। तभी श्री श्री ये स्विमिंग करने आता है, मैंने बोला सर मेरे को स्विमिंग करने आता है, ठीक है चलो एटलीस्ट आप एक आध लोगों को बचा सकते हैं करके, इस तरीके का वो उस समय में बात किया। बाद में थोड़ी देर के बाद दूसरे बोट आए, उससे हम लोग, बहुत ज्यादा पानी था, मीन्स जब मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहा उसके बाद मैं वो अध्यक्ष नहीं रहा, तब भी दिल्ली में उनके साथ हम लोग का एक ऐसा हमेशा संपर्क, एक परिवार के जैसे था, हमेशा फोन करते थे जब भी आईवाईसी में जो भी अच्छा काम होता था, खुद बिना पूछे दत्ता फोन करके साहब ने बोला है प्रोग्राम का फोटो भेज दो। जब मैं स्टार्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बना तब से लेके हमेशा वो हमारा प्रोग्राम को और हम लोग का लिए थोड़ा मनोबल बढ़ाना, तमाम चीजें आज भी याद है। मैं ये बात तो मैं भूल नहीं सकता हूँ, वो उसके देहांत हुआ उस दिन का 4-5 दिन पहले मेरे साथ वीडियो कॉल में बात किया, वो बात नहीं कर पा रहे थे, वो हीरो करके पेपर में लिख के दिखा, व्हाट हीरो, कैसे हीरो करके। मैंने बोला सर आपका आशीर्वाद है सर, आप जल्दी आ जाएगा, आप थोड़ा माइंड में थोड़ा आपको माइंडसेट लेना पड़ेगा। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ऐसे बहुत सारे चीजें बात हुआ। उसके बाद में जो बात सुन के मैं बिलीव, आज भी मेरे को ये बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वजीत और वर्षा गायकवाड़ जी, इन लोग से मैं लगातार सताव जी को लेके वहाँ हॉस्पिटल में लोग ने कोऑर्डिनेट कर रहा था, बहुत बहुत इन लोग ने भी कोशिश किया, बट वो हमेशा हम जो वो लोग ने ऐसे ऐसे लोगों को इतने सपोर्ट किया कोई नहीं भूल सकते हैं। आज सभी लोग ने, मैंने सुप्रिया जी का भी, सुले जी का बात किया, आदित्य ठाकरे जी का बात किया, बहुत लोगों का बात सुने मैंने, तो पूरा देश भर बहुत बड़ी लेवल पे एक राजीव जी का, एक सताव जी का, एक उनका पॉलिटिकल स्टाइल और हमेशा लोगों के मदद करना, गाइड करना, बहुत सारा लोगों को टिकट दिलाए, नेता बनाए,
आज भी लोग पूछ रहे हैं, बट ये कोरोना के वजह से हम लोग उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने श्रद्धांजलि सभा में भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा दिल्ली में करेंगे। सभी लोगों को आह्वान करना, उनका याद हमेशा हम लोग के बीच में है, वो रहेगा। शायद हम लोग के बीच में साताव जी नहीं है, बट साताव जी ने संगठन का उनका योगदान है। हमारा जैसा बहुत सारा जो युवा लीडर को उन्होंने किस तरीके से, जो राहुल गांधी जी का सोच और उनका इलेक्शन प्रोसेस को लेके किस तरीके के काम करना, वो हम लोग को 5 साल किस तरीके के इतने लोगों को तैयार किया, हमेशा तो वो भूल नहीं सकते। मेरे को 2 बार एक और एक इंसिडेंट, लास्ट MLC हो रहा था, मेरे को बुला के आधा घंटे मेरे को क्लास लिया था। क्या है आपको, क्या करना बता दो, चुनाव लड़ना है क्या है, इस तरीके के हमेशा वो हम लोग के बारे में। मैं नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारा लोग है ऐसे, उन सबके बारे में हमेशा डिस्कस करना। मोहंती जी, पहली बार मैंने सत्ताव जी को मेरे को मिलवाया, कर्नाटक इंचार्ज थे मोहंती जी। मोहंती जी ने कर्नाटक, और सत्ताव जी आया था तब मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया, तभी कि तीसरी प्लेस आए थे मैंने इलेक्टेड, उस सारी में पूछे, तब ओपन मेंबरशिप का इंचार्ज इनको दे दो करके बोलो बोला था सताव जी ने, मोहंती जी। हमेशा याद है, बहुत सारा उनके बारे में इतना है, एक भी भूल नहीं सकते, बोलते तो बहुत लंबा है अभी, और बहुत सारा लोग भी बात उनके बात रखना है। ये अभी भी है, कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, पार्टी को ऐसे नेता का जरूरत था, और पार्लियामेंट में भी हमेशा इनको, मेरे को लगता है 4 साल 5 साल बेस्ट अवार्ड भी मिला है, अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी थे। भगवान उनको आत्मा का शांति देना, और उनका परिवार को भी शक्ति और हिम्मत देना, बहुत छोटे बच्चे है। तो उनका दोनों बेटा है, इतना ही हम भगवान से भी प्रेयर करेंगे हमेशा, उनका इसमें उनके परिवार के साथ भी टच रहेंगे उनका। मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे किसी का घर पे भी ऐसा नहीं था, भगवान भी इतना जल्दी उनको ले लिया, हम लोग से छीन लिया है। इतना ही बोल के मेरा दो बाप समाप्त कर रहा हूँ।